गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास, क्लास सेवेंथ। टुडे वी प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 4 इज वेरीफाई द प्रॉपर्टी एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एड दीज टू नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई द सम बाय दिस रैशनल नंबर। ऑल्सो ऑन द अदर वे इफ आई मल्टीप्लाई दिस रैशनल नंबर बाय वाई एंड दिस नंबर ऑल्सो बाय जेड एंड देन एड द प्रोडक्ट द रिजल्ट इज सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ पार्ट 1 इज एक्स इज इक्वल टू 1/3, वाई इज इक्वल टू 1/5, जेड इज इक्वल टू 1/7। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1/7। एज पर द बॉडमास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, सो एड दीज टू नंबर्स। एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35, सो वी डू द एडिशन इन द फॉलोइंग मैनर। सेवन अपॉन 35 प्लस 5/35 दैट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 7 and 5 12 12/35। नाउ 3 4s are 12, सो इट इज इक्वल टू 4/35। नाउ राइट हैंड साइड एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व मल्टीप्लीकेशन 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/7। 1/15 प्लस 1/21। Now LCM of 15 and 21 is 105. You can solve it. Now 1/15 multiply and divide by 7 to make the denominator 105. Same as 1/21 multiply and divide by 5. It is equal to 7/105 plus 5/105. It is equals to 12/105. Now cancel on the table of 3. 3 4s are 12, 3 3s are 9, and 3 5s are 15. So final answer is 4/35. Hence x multiply y plus z is equal to x multiply y plus x multiply z. Distributive property is verified. Question number 5 is also based on distributive property over addition. You can solve yourself. Now question number 6 is show that 3/5 multiply by -1/7 -5/14 is equal to 3/5 multiply by 1/7 -3/5 multiply by 5/14. This is also known as distributive property over subtraction. In the above question, we solved distributive property over addition. Now start with left hand side. 3/5 multiply. Now LCM of 7 and 14 is 14.
सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माइनस वन अपॉन सेवन बाय टू, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन फोर्टीन माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन, इट इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन अपॉन फोर्टीन. नाउ सेवन वन जो सेवन, सेवन टू जो फोर्टीन, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन इज माइनस थ्री अपॉन टेन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड इज थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन सेवन माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई फाइव अपॉन फोर्टीन. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसल फाइव. नाउ माइनस थ्री अपॉन थर्टी फाइव माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन. नाउ एलसीएम ऑफ थर्टी फाइव एंड फोर्टीन इज सेवेंटी, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड थ्री अपॉन फोर्टीन बाय फाइव, इट इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स अपॉन सेवेंटी माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवेंटी, इट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन अपॉन सेवेंटी. कैंसल ऑन द टेबल ऑफ सेवन, सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन, सेवन टेन जर सेवेंटी. फाइनल आंसर इज माइनस थ्री अपॉन टेन विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. एलसीएम ऑफ थ्री एंड टेन इज थर्टी. सेवेंटी अपॉन थर्टी माइनस नाइन, सॉरी ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू सेवेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन इज फोर्टी थ्री अपॉन थर्टी. नाउ टू टू जो फोर एंड टू फिफ्टीन थर्टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर्टी थ्री इज माइनस एटी सिक्स अपॉन फिफ्टीन. नाउ सी डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एटी सिक्स एंड फिफ्टीन इज ऑल्सो वन. So this number is in standard form and this is answer. Now part second is 7 upon 3 multiply 9 upon 8 plus 3 upon 1. 8 and 1 ka LCM hai 8. So 9 upon 8 plus 3 upon 1 multiply and divide by 8. एट थ्री जर ट्वेंटी फोर अपॉन एट नाइन एंड ट्वेंटी फोर इज थर्टी थ्री अपॉन एट. नाउ थ्री इलेवन जर थर्टी थ्री, इलेवन सेवन जर सेवेंटी सेवन अपॉन एट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर एट इज फिल इन द ब्लैंक्स दैट यू कैन सॉल्व योर सेल्फ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.